दोस्तों, पाकिस्तान के हिंदू मंदिर में नासा के वैज्ञानिक को जो मिला एक रहस्यमय नजारा, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये घटना न केवल धार्मिक आस्था को दिखाती है, बल्कि हमारी पुरानी संस्कृति और धरोहर के अनमोल सबूतों की कहानी को भी बयां करती है। आइए जानते हैं इस अनोखे अनुभव के बारे में। दोस्तों, जब पाकिस्तान में एक हिंदू मंदिर में नासा के वैज्ञानिकों को मिला कुछ ऐसा, जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपके होश उड़ जाएंगे। आपको इस बात का अंदाजा होगा कि चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो या दुनिया की कोई भी जगह हो, अगर वहां खुदाई की जाए तो सनातन धर्म का सबूत जरूर मिलेगा। इसका जीता जागता उदाहरण है पाकिस्तान में हाल ही में हुई ये घटना, जो आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, जब से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है और भारत के कुछ मंदिर पाकिस्तान के कब्जे में गए हैं, तब से उनके ऊपर ताला लगा हुआ है। वहां मौजूद बहुसंख्यक मुस्लिम समाज अक्सर हिंदुओं को परेशान करते आए हैं और उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ते और ख़त्म करते आए हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में कुछ ऐसी जगह मौजूद है जहां एक निश्चित संख्या में हिंदू लोग निवास करते हैं। वहीं पर उनका एक मंदिर भी होता है, जहां वो कई अन्य धर्म के व्यक्ति को नहीं आने देते और अपने मंदिर की रक्षा भी वो खुद करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का एक ऐसा हिंदू मंदिर माता गौरी का मंदिर, ये सिंध प्रांत के थारपारकर जिले में मौजूद है। यहाँ पर सभी आदिवासी लोग हैं, जिन्हें धारी हिंदू के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण बहुत ही उत्कृष्ट कलाकृतियों और शैली से किया गया है। वर्षों से यहाँ मौजूद आदिवासी लोग इस मंदिर में गहरी आस्था रखते हैं। बंटवारे के समय पाकिस्तान में कई मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन इस गौरी मंदिर को हाथ लगाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आदिवासी लोग स्वयं इसकी रक्षा के लिए आगे आए थे। वो माता गौरी को अपनी इष्ट देवी मानते हैं और हमेशा उनकी रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। दोस्तों, साल 2019 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के अलग अलग हिंदू मंदिरों को बचाने का वादा किया, क्योंकि उस समय पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। हिंदुओं को केवल मंदिर बचाकर ही संरक्षित किया जा सकता था। जब बात आई थारपारकर जिले में मौजूद गौरी मंदिर को बचाने की, तो पाकिस्तान सरकार ने कुछ वैज्ञानिकों को मंदिर के बचाव कार्य के लिए भेजा, लेकिन गांव के सभी लोग चट्टान की भांति मंदिर के सामने खड़े हो गए। उनका कहना था कि ये हमारी देवी का मंदिर है और हम किसी को इसके अंदर जाने नहीं देंगे और ना ही कोई जांच पड़ताल करने देंगे। आदिवासी लोगों के हाथों में भाले और खतरनाक हथियार थे, जिस वजह से वैज्ञानिक टीमों ने अपने कदम पीछे कर लिए। लेकिन उस टीम में सिद्धांत नाम का एक वैज्ञानिक था, जो 8 सालों तक अमेरिका में नासा में वैज्ञानिक के तौर पर कार्य कर चुका था। उसे पाकिस्तान में उस टीम का खास सदस्य बनाया गया था। उसके मन में बड़ी ही शंका आ रही थी कि आखिर उस मंदिर के अंदर ऐसा क्या है जो लोग उसे छूने नहीं देना चाहते। रात के समय तकरीबन 2 बजे वो चुपचाप आदिवासी का भेष बनाकर माता गौरी के मंदिर में पहुंचा। वहां रात के समय में आदिवासी लोग पहरा दे रहे थे। मंदिर के पीछे वाले भाग में उसे एक खिड़की दिखाई दी, जिससे होकर वो मंदिर के अंदर चला गया। सभी बाहर पहरा दे रहे थे। आदिवासियों को मंदिर के अंदर हलचल सी महसूस हुई। फिर वो सुरक्षा के नजरिए से मंदिर के अंदर पहुंचे। इतने में सिद्धांत मंदिर के तहखाने में जाकर छिप गया। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, तो वो फिर से मंदिर के बाहर आ गए। तहखाने के अंदर सिद्धांत ने जो देखा, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, तब उसने अपने चारों ओर बहुत ही पुरानी सनातन संस्कृति से मिली हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां देखी, जो काफी पुरानी और भव्य लग रही थी। उसने वहां पड़ी एक मूर्ति का सैंपल लिया और चुपचाप इसी खिड़की से दोबारा से लैब में आ गया। जब उसने मूर्ति के अवशेष का परीक्षण किया, यानी कि उसकी जांच की, तो होश उड़ा देने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि पाकिस्तान के उस मंदिर की आयु तकरीबन 1200 वर्ष है, यानी वो मंदिर 1200 साल पुराना है। लेकिन फिर भी आदिवासी इलाके में होने के कारण कोई उसके महत्व को नहीं समझ पा रहा था। अगले दिन सिद्धांत फिर से उन आदिवासियों से मिलने आया और उन्हें समझाया कि ये मंदिर सबके लिए खुलना चाहिए। ये मंदिर अति चमत्कारी और प्राचीन है। जब लोग वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाएंगे, तो आपकी बस्ती की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। सभी आदिवासी लोग इस बात को मान गए। अब नासा की एक टीम उस मंदिर पर पहुंची और जांच शुरू की गई। मंदिर को साफ किया गया और टूटे हुए भाग को दोबारा से सही किया गया।
तभी मंदिर का एक तहखाना जो कई सालों से बंद पड़ा था और जिसके ऊपर ताला था, जब उसे खोला गया तो उसके अंदर पुराने जमाने की अशर्फियां प्राप्त हुई जो सोने की थी। आदिवासी लोग इस तहखाने को इसलिए नहीं खोलते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये एक श्रापित दरवाजा है जिसे श्राप मिला है, लेकिन इस दरवाजे के अंदर से तो धन प्राप्त हुआ। उसका इस्तेमाल उस जगह के बच्चों की पढ़ाई और उस जगह को रोशन करने के लिए किया गया, जिससे सरकार और आदिवासी हिंदुओं के संबंध और अच्छे हुए। आज थारपारकर जिले में स्थित ये गौरी मंदिर विश्व विख्यात है और पाकिस्तान में आज भी हिंदू यहाँ जाते हैं और पूजा आदि करते हैं। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।